आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि सर्वमान्य हिंदुस्तान में, और उसकी सर्वमान्यता तो इस बात से है कि कोर्ट के अंदर गीता पर हाथ रख करके शपथ दिलाई जाती है प्रोसिक्यूटर को, गवाही गवाह को, जो कुछ कहूंगा सच सुच कहूंगा, यानी वो एक ईश्वर का रूप है। तो उस गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग की सारे बातें की है, और उसके अंदर जो निष्काम कर्म की बात कही है, जो कि व्यवहार पक्ष से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म पे जुड़ा हुआ है। तो इस गीता की प्रासंगिकता कर्म योग को हमारे आध्यात्म विज्ञान से थोड़ा सा जोड़ करके, तुलनात्मक करके बताइए, क्योंकि लोगों को जो है वो गीता पे बहुत श्रद्धा है। तो इस आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, गीता के माध्यम से वो चीज और श्रद्धा युक्त हो जाएगी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात ये गीता जो है कृष्ण भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गीता, वो गीता के अंदर ज्ञानी के या भक्त के तीन प्रकार बताए। तीन प्रकार के जो भक्त होते हैं, वो पहला भक्त है कि जो कर्म करते हैं, कर्म योगी। फिर दूसरा होता है भक्ति वाला, भक्ति योगी, और तीसरा है ज्ञान योग, यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये तीनों प्रकार के, अलग अलग प्रकार के भक्त उन्होंने बताए। ज्ञान क्रिया योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों बात जो है वो समझने जैसी चीजें, तीनों अलग भी है और एक भी है। कोई कहता है कर्मयोग महान है, हम कुछ करेंगे तभी तो समाज में इसका रिजल्ट आएगा, समाज को अनुभव होगा, यानी वो क्रिया के ऊपर वेट दे रहे हैं, क्रिया के ऊपर वेट दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कर्मयोग से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मान सम्मान मिलेगा। दूसरा योग है भक्ति योग। भक्ति का मतलब होता है जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है और उनके मंत्रों की भक्ति करता है, तो वो भक्ति योग है। जिसके भजन की भक्ति करता है वो भक्ति योग है, और व्यक्ति से भी भक्त का मन प्रफुल्लित होता है, कर्म से भी व्यक्ति को सांत्वना मिलती है, समाधान मिलता है, एक आनंद मिलता है, भक्ति से भी आनंद मिलता है। और तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब होता है कृष्ण भगवान ने जो तत्व बताया इसको समझने की कोशिश करना, इसको ही जीवन में उसी दृष्टि से जीवन को देखना, और ज्ञान योग से अपनी दृष्टि को व्यवहार और ज्ञान से अलग रखना, ये ज्ञान योग है। तो ये तीनों योग अलग अलग भी है और एक भी है। अलग अलग तो मैंने आपको बता दी, ये एक कैसे है, तो कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में तो ज्ञान योग है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मगर शुद्धात्मा के साथ वो लगाव से जुड़े होते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। लगाव, भक्ति का मतलब होता है टू अप्रोच नियर एंड नियर, तो यानी जो मैं हूं उसी का मैं, उसी की मैं भजना करता रहूं, वो भक्ति योग है। हर अवस्था में मन वचन का है कि कोई भी अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय, काम करते समय, व्यवहार करते समय, यही योग रहेगा भक्ति योग। मैं शुद्धात्मा हूं,
मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये भक्ति योग है। और जो कर्मयोग बताते हैं वो कर्मयोग कैसे काम आएगा, तो कर्म का मतलब होता है मन वचन काया, कोई भी क्रिया करता रहे मगर वो क्रिया करने वाला मन वचन काया है और मैं मन वचन काया से मुक्त हूं, तो ये कर्मयोग हो गया। कर्मयोग का मतलब होता है मन वचन काया कर्म करता रहे मगर मैं उससे मुक्त रहूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये तो इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में साक्षी भाव भी बोला। क्या बोला? साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी साक्षी का मतलब होता है मैं करता नहीं हूं मगर मैं करने वाले का साक्षी हूं। विचार आए साक्षी, जबान बोले साक्षी, क्रिया हुई साक्षी, तो इसको साक्षी भाव भी बोलते हैं। यानी तीनों मार्ग अलग अलग भी है, ये तीनों प्रकार की प्रकृति भी होती है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और तीनों एक में भी समा जाता है। प्रकृति अपने स्वभाव में रहेंगी तो प्रकृति कर्मयोग है। प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा में रहने का प्रयास करेंगे तो वो भक्ति योग है, और आत्मा खुद वो ज्ञान योग है। तो भक्ति के लिए भी ज्ञान योग दृष्टि में होना चाहिए। और भक्ति का मतलब होता है टू अप्रोच नियर एंड नियर। तो ये तीनों का त्रिवेणी संगम है, तीनों अलग अलग भी है और तीनों एक में भी हो सकते हैं। ये दृष्टि के ऊपर आधारित है। मगर आज हम समाज में देखेंगे तो कहीं लोग कर्मयोग होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, बोला है मैं कर्म को ही प्रधान देता हूँ, काम करना समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, इसको मैं प्राधान्यता देता हूँ, तो वो कर्मयोगी है। दूसरा भक्ति योग वाला होता है तो बोला मैं भगवान का भजन करूँगा, आप समझे आरती पूजा पाठ वगैरह करूँगा और भक्ति में लोगों को लीन करवाऊंगा, मैं भी लीन हो जाऊंगा, तो ये भक्ति हो गया है। और ज्ञान योग का मतलब होता है मैं लोगों को तत्व की बात करूंगा, आत्मा की बात करूंगा, सनातन सत्य की बात करूंगा, मैं खुद भी समझूंगा, तो वो ज्ञान योग है। तो ये तीनों अलग अलग भी है और एक भी है, तो ये समझने की बात है। और तीनों योग जो है वो आध्यात्म में और व्यवहार में दोनों में जरूरी है। क्या है? जरूरी। व्यवहार में भी जरूरी है और आध्यात्म में भी जरूरी है, मगर किस एंगल से आप इसको देखते हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। क्रिया करते समय मैंने क्रिया किया तो वो कर्मयोग हो गया, और क्रिया करते समय क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, मैं क्रिया करने वाले से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो ये ज्ञान योग हो गया। आप समझे? तो कहने का मतलब है कि तीनों अलग भी है और एक ही व्यक्ति में होता है। तो कोई भी संयोग में आत्मा से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना वो भक्ति योग भी है, आत्मा को लक्ष्य में रखना वो ज्ञान योग भी है, और ज्ञान और भक्ति योग लक्ष्य में रखता है ज्ञान और भक्ति योग, वही कर्म है। तो कर्म योग अलग नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष जैसे मैं सत्संग करता हूं ये भी कर्मयोग है, और मैं खुद ज्ञान में रहता हूं ये भी कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब होता है ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, वो कर्मयोग है, और मन वचन काया का उपयोग करना वो बाह्य कर्मयोग है। वास्तव में बाह्य कर्म योग है वो कुदरती रचना है, वो आंतरिक कर्मयोग है वो मेरा पुरुषार्थ है। मगर दुनिया में दोनों प्रकार के कर्मयोग समय समय पे चलते रहते हैं।